प्रियंका, अच्छा मैं बस सुधांशु जी इसके बाद को आ रही जस्ट हूँ। टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम प्रियंका रखा है। तो उनको बार बार याद करना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती है जिनके पीछे मेरा नाम रखा गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनका नाम लें या ना लें, इंदिरा गांधी जी सबकी जिंदगी में एक एक अनोखा स्थान रखती है। रही बात दूसरी, इन्होंने कहा कि फतवा जारी हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उलेमा का सपोर्ट। शायद ये भूल गए कि शंकराचार्य जी जो आए थे मातोश्री में, उन्होंने कहा था जो अधर्म महाराष्ट्र में हुआ है उद्धव साहब की सरकार गिराने का, वो अधर्म खत्म करना जरूरी है, धर्म वापस लाना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे जी जब तक फिर से मुख्यमंत्री ना बने, हम सब हिंदू सनातन धर्मियों के धर्म पालन करने वालों की जिम्मेदारी है कि उनको वोट कर, उनको मजबूत कर फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। वो शायद भूल गए होंगे क्योंकि उनका फोकस इतना उलेमा में है, मौलाना में है, कि वो भूल गए कि हमारे खुद के सनातन धर्म के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो हमारे तो सब तरह से सपोर्ट है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। तो रही बात मेरे कांग्रेस में होने की, हाँ ये भी बात सही है कि मैं कांग्रेस में रही हूँ और उस कार्यकाल में जो हुआ है फिर से मैं दोहराऊंगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। पर यहाँ पर तो स्पष्ट है विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहते हैं दिल्ली में, काम की वजह से दिल्ली में रहते हैं, वोटर वो है बोरीवली के, पर दिखाई देते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है यहाँ पे। सर अगर आपको पता होगा 48 घंटे बाद कोई किसी मीटिंग में नहीं शामिल हो सकता है, पर ये वहां पे शामिल होते हैं। और पता है बहुजन विकास अघाड़ी के ही लोग बता रहे हैं कि वो तो जब इनको पकड़ा गया था वो किचन के रास्ते से भागकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब कितने बड़े बड़े सूट केसेस गए थे, वो सूट केसेस अब इलेक्शन कमीशन हमें बताया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अच्छी तरीके से अवगत है, उन्होंने बहुत सारा करोड़ों रुपए का पैसा इन्होंने रेड के माध्यम से किया है। पर अफसोस ये है कि बड़े से बड़े नेता ऐसे बैग लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ पाने में ये ना उनको मुश्किल लगी और जनता ने वो भी उनका सच उजागर कर दिया है। अब वो जनता एफआईआर के माध्यम से पता चलेगा ना क्या सच्चाई है। पर ये सच साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है धन बल पर ही जीतती है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर सुप्रिया जी। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि हितेन ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि हाँ भागने की कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े। हाँ देखिए मैं बताना चाहता और वो हूँ फिर, एक और देखिए चीज कह रहे प्रियंका हैं, जी ने और एक और बोला चीज कह रहे हैं कि बीजेपी वहां से कौन ही सा टिप बैग ऑफ दिख मिला रहा है, था वो एक बोली और सूट चीज केस। कह रहे हैं कि उनको टिप ऑफ भी बीजेपी अरे वाले भाई से ही काय, मिला है, अरे बहुत बोलने सीनियर दीजिए आप लीडरशिप से। आराम से। तो उनके बीच में ही जो झगड़े चल रहे हैं उसका भी स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई की वजह से ये हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि तावड़े जी और फडणवीस जी के बीच में जो मतभेद है वो बहुत चरम पर है। सुधांशु जी इस ओर इशारा है उनका, जवाब दीजिए। नहीं, वो मैं भी प्रियंका जी की बात को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा जी से प्रभावित होकर नाम रखा गया था, फिर वो आपसी लड़ाई के कारण क्या होता है पार्टी के अंदर, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा। तो वो अपना स्वानुभूति प्रयोग बता रही होंगी, वो विषय को हम अलग रखते हैं, हम यहां पर बिल्कुल टेक्निकल बात करते हैं। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे, न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके उनका बिहेवियर अतिरिक्त में बहुत यहां पर एक और बात कंफ्यूजन भी है। समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास अघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। हमसे आधी सीटें पाकर वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे, और वहां जाने के बाद उनको क्या ताजदारी मिल रही है ये दुनिया देख रही है। जिसे एक हिंदी में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बनी। यानी उधर चले भी गए और कौन किसके साथ खड़ा है, बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे जी की दृढ़ता देख लीजिए और उद्धव जी की विवशता देख लीजिए। तो ये दिखाती है कि सत्ता, देखो सत्ता की बलिहारी हो जमाना बदला जाए, ठीक है, देखो कुर्सी की बलिहारी हो जमाना बदला जाए, वो साफ दिखाई पड़ता है। सुप्रिया जी तो आप एक दोनों बार ही जवाब दे इश्यूज के दीजिए, ऊपर मैंने फिर कहा इसका जवाब मैं टेक्निकल हो लूंगी या प्रियंका जी पॉलिटिकल से। या मॉरल, तीनों चीजों पे नहीं, स्थिति वो स्पष्ट कह है। रहे हैं आप लोग मिलके तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। नहीं, मुझे ये तय करने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे सुप्रिया जी जवाब दे ले, अगर फिर आ रही प्रोफेसर हूँ, फिर आ रही सुधांशु जी, हूँ, इसके बाद अच्छा तुरंत आ रही हूँ प्रियंका। सुप्रिया जी सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश
और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूं इनकी विवशता, इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहां पर आकर क्या बोलेंगे, ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए, जो पैसा जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है, इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है, ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है यहां पर, इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1,000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है भाई, महायुति को क्या लग रहा है, चोरी से सरकार खरीद फरोख करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे। ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूं, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं, अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता, अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी भिदक ना जाते, आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटव्वल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती, ये असलियत है आप लोगों की। इसका जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से ग्रीस, साउथ अफ्रीका, दुनिया के देश देश घूम रहे हैं, नाइजीरिया, पाइजीरिया, सब घूमे ले रहे हैं, बस प्रधानमंत्री एक जगह नहीं जाएंगे और वो है मणिपुर, जो 1.5 साल से जल रहा है, जहां पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, इनके घटक दल वाले नहीं आए, एनपीपी ने इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, 8 महीने के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है। प्रधानमंत्री के घूमने की बात अगर शुरू करिएगा तो बहुत दूर तलक चली जाएगी, बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1.5 साल से एक शांति की अपील नहीं की है मणिपुर में, और एक बार मणिपुर गए नहीं है, और मुझे इस बात का दुख है। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, और साथ ही जो 1,000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की बात हो रही है राज्य में, हम आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र में, और ये इलेक्शन कमीशन की जब्ती है, उन्होंने डेटा दिया है, महाराष्ट्र में 153 करोड़ कैश, 71 करोड़ शराब का, ड्रग्स 72 करोड़, मेटल 283 करोड़, फ्रीबीज 81 करोड़ और कुल 660 करोड़, ये महाराष्ट्र का डेटा है। झारखंड पर आइए, 15 करोड़ कैश, 8 करोड़ शराब, 15 करोड़ के ड्रग्स, 8 करोड़ मेटल, 152 करोड़, कुल मिलाकर 198 करोड़। उपचुनाव में 14 करोड़, ये उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों जहां जहां उपचुनाव है, 14 करोड़ 41 करोड़ शराब। अब सवाल है कि अगर 1,000 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हो रही है तो ये जवाबदेही किसकी बनती है, कैसे रुकेगा, मतलब ये चल क्या रहा है, जैसे जनता ये नंबर सुन रही होगी उनके मन में चल रहा होगा, ये चल क्या रहा है, वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, पैसा उसी का खेल है पूरा। अंजना जी, यदि इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है तो इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव आयोग ने पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ हर चीज के ऊपर नजर रखी है और प्रभावी कार्रवाई की है, यह बरामदगी की संख्या उसका प्रमाण देती है। अब रही बात इसकी कि किसके पास से क्या बरामदगी हुई है, वो अगर डाटा मिल जाए तो पिक्चर और भी साफ हो जाएगी। अब हमारे दोनों जो विरोधी प्रवक्ता हैं उनका हम जवाब देना चाहते हैं क्रमवार। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी गए, वो तो घूमना होता है, और राहुल गांधी जी बगैर किसी औपचारिक उसके जाते हैं विदेश में, वो तो राष्ट्र की सेवा होती है, तो घूमने कौन जाता है और कौन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन पे जाता है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, मुझे इनसे उत्तर की अपेक्षा नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी मत बोलिए, मैं आपकी बात शांति सुन रहा था।
अरे सुप्रिया जी काहे बीच में बोलने लगी, अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। अब आइए, इन्होंने कहा विवशता की बात, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का टिकट वितरण के बाद बयान था ना महाराष्ट्र में कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस ने ज्यादा सीटें दे दी। बोलिए वो सही था कि गलत, यह है विवशता का प्रमाण, जो राहुल गांधी जी के उस बयान के बारे में जिसके बारे में कांग्रेस ने आज तक उसको विड्रॉ नहीं किया कि इनकी मजबूरी थी। दूसरी विवशता देखिए, यूपी में सपा कांग्रेस कहती थी हम भाजपा को साफ कर देंगे, सपा ने कांग्रेस को साफ कर दिया, एक को सीट नहीं दी, उसके बाद भी झंडा बरदार बने खड़े हुए हैं, यह होती है विवशता। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया सुप्रिया जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये राजनीति करने वाले या नाम लेने वाले दोनों दलों ने एक ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा महाराज से बाहर लाके, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ा, उनको रहमतुल्ला अल सलेह कहा, फेसबुक पे उसकी तारीफ की, और उसको भी भेजना, ये होती है विवशता। तो मैंने विवशता बता दिया क्या होती है, कि औपचारिक डिप्लोमेटिक मिशन को घूमना कहना और घूमने को राष्ट्र की सेवा कहना विवशता है। टिकट वितरण में आपके साथ झटका हो जाए, सहयोगी दल ज्यादा ले जाए महाराष्ट्र में, वो विवशता है। उत्तर प्रदेश में शून्य शून्य सीट मिलना विवशता है। और शिवाजी महाराज के जन्म स्थल वाले इस राज्य में से औरंगजेब को की प्रशंसा करने वाले को राज्यसभा बाहर से, प्रियंका जी एक बार जवाब दे ले फिर सुप्रिया जी। प्रियंका जी व्यवस्था क्या है और राजनीतिक अपरिहार्यता? प्रियंका सबसे पहले तो बिल्कुल विनम्रता से मैं सुधांशु जी को कहना चाहूँ कि वो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पे कम ही टिप्पणी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें आपने कही है जिससे महाराष्ट्र की जनता को आहत हुई है, सबसे पहले बात ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बात सुनना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टैच्यू का अनावरण किया, उस पे भी भ्रष्टाचार किया, और वो प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ, और 8 महीने के अंदर अंदर वो गिर गई, जिससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत आहत हुई है। तो आप तो कृपया अपने मुंह से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता और खास करके आप ना ही लें तो मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करें। रही बात, आपने कहा कौन किसकी विवशता क्या क्या क्या, आपने कहा देखिए आप चीफ मिनिस्टर की दावेदारी कर रहे थे, अब आप देखिए क्या हुआ है। चीफ मिनिस्टर की दावेदारी हो या ना हो, हम बहुत स्पष्ट हैं कि महाविकास अघाड़ी को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़कर महाझूठी गठबंधन को सत्ता मुक्त करना है। रही बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा था, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था उसका कहीं से भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी आकर रोज बात करती है। पर सच्चाई ये है कि अमित शाह ने भरी रैली में यह जरूर कहा था कि अभी यह हमारी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि महाराष्ट्र में हमें दो पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ये उन्होंने कहा था। दूसरी बात, शायद सुप्रिया जी मैं आपको बताना चाहूं, प्रधानमंत्री भले ही विदेश चले गए हों पर जब वो मुंबई में आए थे उनकी पूरी खाली कुर्सियों से उनका स्वागत हुआ था उस चुनावी मंच पे। दूसरी चीज कहना चाहती हूँ, अमित शाह जी मणिपुर का किस तरीके से फायदा उठाते हैं, नागपुर आते हैं, चार उनकी चुनावी रैलीज होती हैं, और चारों चुनावी रैलीज में जब देखते हैं कि पूरी कुर्सियां साफ होने वाली हैं, तब मणिपुर की आड़ में वापस दिल्ली चले जाते हैं, चुनावी रैलीज को कैंसिल करते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जाते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई यही है, विवशता इसको कहते हैं कि पैसे दो, सत्ता का दुरुपयोग करो, एजेंसीज का दुरुपयोग करो, पर किसी भी तरीके से सत्ता काबिज करो। सुप्रिया जी भी एक छोटा सा बोल ले, उसके बाद से सुधांशु जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए सुप्रिया जी। मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज में बहुत यकीन है, और जब मैंने सुधांशु जी के मुंह से यह सुना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफी मांगी थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था। आपके सम्मानित दर्शकों को भी जरा 5 सेकंड की बात इनकी सुना देती हूँ। माफी मांगते थे छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ ये सोच लीजिए, छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिख के औरंगजेब से माफी मांगी थी ये कहा था इन्होंने, तो ठीक है सुधांशु जी छोटा सा जवाब 2-3 लाइन का, टाइम खत्म हो गया है सुप्रिया जी, टाइम ही नहीं है। मैं सुप्रिया जी को 20 सेकंड बचा है, 20 सेकंड 2 लाइन सुप्रिया जी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर माफी शब्द दिखा दें, मैं सुप्रिया जी को चैलेंज करता हूं कि माफी शब्द दिखा दें। और शिवाजी महाराज के लिए उनके राजकवि भूषण ने लिखा था, जो आप लोग कभी औरंगजेब जिसको महान कहते, उन्होंने लिखा था कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की,
और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होने तो सुन्नत होती सबकी, और आप उस औरंगजेब वाले के नाम पे पूरे खानदान पे दिल्ली में। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही।